बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आई एम वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। जनाब, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त को ब्रिटिश राज ख़त्म हो गया था इन इंडिया, और इंडिया की डिवीजन हो गई थी। ब्रिटिश राज के खात्मे के साथ ही टेक्निकली एंड लीगली जो रियासत जम्मू कश्मीर थी, जिसने किसी के साथ भी इलाक नहीं किया था, वो भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो गई थी। लेकिन ज़ाहिर है कि उस पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया गया, उसको तकसीम कर दिया गया ज़बरदस्ती। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस वक्त मैं बात करना चाहता हूँ। और उस पर बात करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। तो बात ये करना चाहता हूँ कि पिछले हफ्तों से 15वीं जो तरमीम है Act 74 में जो हो रही थी, उसका बड़ा चर्चा था। उसके बारे में ये बहुत सी बातें हो रही थी कि क्या क्या उसमें शामिल होगा। 15वीं जो तरमीम थी वो पेश हुई असेंबली में, लेकिन उसमें वो कुछ नहीं था जिसका कहा गया था। अब बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि वो जो कहा जा रहा था वो क्यों नहीं था। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। मैंने और अब्बास भट्ट साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था कि हो सकता है अगर 15वीं के बाद 16वीं तरमीम भी आए, या उसके बाद कुछ और भी आए, इन्हें जो अल्टीमेट एजेंडा है उसकी तकमील के लिए। अब जो हमारा ख्याल है कि 15वीं तरमीम में जो था वो जिसका ऐलान किया गया था वो क्यों नहीं था, जो पहली बात ये देखते हैं कि उसमें जो पास किया गया वो क्या है। 15वीं तरमीम में ये पास किया गया है कि जो बल्दिया के इलेक्शन हो रहे थे, बल्दियाती इलेक्शन जो कि एक लंबे अरसे से नहीं हुए, और अब ऐलान हुआ था कि होंगे, लेकिन असेंबली ने बड़ी कामयाबी के साथ एक मोर्चा फतह कर दिया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि इनको मुलतवी किया जाता है। और जो अख्तियार थे इलेक्शन कमीशन के पास बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए, उनको छीन लिया गया, और ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन के बजाय बल्दियाती कमीशन जो है, कमिश्नर जो है, उसको भी दे दिए गए। इसके नुकसान ज्यादा हैं, फायदे कम में। फायदे मुझे तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन नुकसान हैं, क्योंकि जो जो हुक्मरान होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि उनके अख्तियार में कमी आए। जब लोकल लेवल के इंतखाबात होते हैं तो पावर जो उसको नीचे तक आती है, वो ये नहीं चाहते कि ये पावर है उनके हाथ से निकले। जो हुक्मरान है या जो हुक्मरानों के हुक्मरान इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, या पिंडी में बैठे हुए हैं, या मरी में बैठे हुए हैं, उनके लिए इजी होता है कि चंद जो लोग हैं उनको फोन किया और अपने जो मकासद पूरे कर दिए, तो एक धमकी दी वो बात सारी मान जाएंगे। जब वो लोकल लेवल पर अख्तियार चले जाते हैं तो लोग जो हैं उनको अपनी पहली बात है ताकत का अंदाज़ा होता है, और फिर उनको कंट्रोल करना आसान हो जाता है, आसान नहीं रहता, मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये बात थी, ये जो इलेक्शन ये मेन चीज़ इसको पास हुई है 15वीं तरमीम में, वो यही है कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ ही जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने स्टिल ऐलान किया है कल के मीडिया के मुताबिक भी 28 को इलेक्शन होंगे, 28। लेकिन अब ये भी है कि उनके मुझे नजर नहीं आता भी अगर असेंबली ने पास कर दिया तो इख्तियार खत्म हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन के। लेकिन अगेन जैसे टेक्निकल मैटर, और उसमें फसाद बढ़ेगा, इख्तलाफात बढ़ेंगे। लेकिन मैं इस वक्त ज़्यादा कॉन्सनट्रेट ये करना चाहता हूँ कि 15वीं तरमीम में वो कुछ क्यों नहीं आया जिसका चर्चा था। देखिए, जो हुक्मरान होते हैं वो बहुत बात का होता है कि टू टेस्ट द वोटर, बहुत सी चीज़ें वो पेश करते हैं और लोगों का रिएक्शन देखते हैं, और रिएक्शन जो था शायद उनकी तवक्को से ज़्यादा सख्त था। लोग जो है बाहर आके, ख़ास तौर पर पुंछ डिवीजन में जो है ना, रावला कोट में और कुछ और जगहों पर काफ़ी जो है ना सख्त हंगामे हुए, और पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी हुई, पाकिस्तान से आज़ादी लेने के मुतालबे किए गए, और एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना एहतजाज हुआ। और ये सिर्फ ये नहीं कि रावला कोट तक रहा है, ये मुख्तलिफ शहरों में फैल गया था, मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली, भिम्बर, मीरपुर, हर जगह पर ख्वातीन ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और नारेबाजी की।
बच्चे पिसारे आने कहने लगे कि हम लेंगे आजादी, छीन कर देंगे आजादी, पाकिस्तान से आजादी लेंगे। तो काफी सख्त किस्म का एहतियात था। तो इससे अंदाजा हो गया था हुक्मरानों को भी और जो पिंडी में बैठे हुए हैं उनको भी, इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को भी, और मरी में जो है उनको भी हो गया था। एजेंसियां मौजूद थी और पाकिस्तानी फौज के सामने उन्होंने पाकिस्तानी फौज से आजादी के मुतालबे किए। वो देख रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो मेरे ख्याल में जब उन्होंने ये देखा कि इस कदर शदीद रद्द अमल है, तो ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, तो जो कुछ हमारे पास ये खिता है ये भी हाथ से निकल जाए और ये जो मूवमेंट है ये कोई नया रुख अख्तियार कर ले। इस वक्त तो पाकिस्तान की नाइंसाफी और ऑपरेशन के खिलाफ था। ये जो बिजली के मसाइल थे या दूसरी महंगाई थी, जो तरीकाकार पाकिस्तानियों ने अपनाया हुआ था उसके खिलाफ एहतियात था। ये बढ़ते बढ़ते एक नया रुख अख्तियार करता जा रहा था। फिर पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तानी इंपीरियलिस्ट बैठे हुए हैं, तो इंपीरियलिस्ट जो होते हैं या कॉलोनियलिस्ट जो होते हैं उनका एक अपना तरीकाकार होता है, उन्होंने टीमें रखी होती हैं। तो फौरन उन्होंने अपने ही लोगों को दो टीमों में तकसीम किया। अच्छा जी आप मुजाकरात करें, वो फैसला करें कि क्या होना चाहिए। उन्होंने फैसला यही किया कि ठीक है जी हम ये बात जो है ना मान जाते हैं आपकी, और आप ऐसा करें कि जो मुजाहिरीन है उनसे मुताबिक किया गया आप मुजाहरे खत्म कर दें, लेकिन आपके जो लोग जेलों में बंद हैं उनको हम छोड़ देंगे, और ये जो 15वीं तरमीम जो पेश होगी उसमें ये बात नहीं होगी वगैरह। तो इन दूसरे नुस्खों में जो एहतजाज का गुब्बारा इतना बुलंद हो गया था, इतनी ताकत पकड़ गया था, उसमें से आवाज निकालनी जरूरी थी और बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने ये वारदात की और उसको सबूताज किया। उस सबूताज करने के बाद जो कहते हैं ना छनछना या छनकला पंजाबी में कहते हैं, वो हमारे हाथ में दे दिया गया। जो बेसिक मसाइल थे वो तो उतरी हैं, वो तो हल नहीं हुए। कुछ लोग इस बात पर भांगड़े डाल रहे हैं कि जब हमारे कैदी रिहा हो गए, वो रिहा क्यों हुए थे कि आपने एहतजाज किया था। एहतजाज क्यों किया था कि आपके कुछ मुतालबे थे जो पाकिस्तान या उनके चमचे जो हैं वो कबूल नहीं कर रहे थे। अच्छा तो वो कहते ना कि अगर कुएं में कुत्ता गिर जाए तो पानी उस वक्त तक पाक नहीं होगा जब तक आप कुत्ते को ना लगा लें। आप लोग इस बार खुश हो रहे हैं कि चलो चलिए हमने मौलवी साहब ने या पीर साहब ने कहा था जी इतने जो है ना घड़े या बाल्टियां पानी की निकाल दें, 200 300 जो वट एवर द फिगर वो निकाल दें और पानी पाक हो जाएगा। तो लेकिन इसमें से कॉमन सेंस यह है कि पानी निकालने से पहले कुत्ते को निकालना जरूरी होता है। आपने कुत्ता तो निकाला नहीं, वसायल तो उधर ही है और आप इस पर खुशियां हो रही हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, लुड्डी डाल रहे हैं कि हम जो कामयाब हो गए। कि क्या कौन सी कामयाबी हासिल की है, क्या हकूक मिल गए हैं, आपका तशखस मिल गया है, एक्ट 74 खत्म हो गया, ये शरारत। फिर अगेन जो जो, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो ये एक्ट 74 है, वो तो अपनी जगह मौजूद है। महंगाई अपनी जगह मौजूद है, जो टैक्सेस थे वो अपनी जगह मौजूद है, जो ऑपरेशन था वो अपनी जगह मौजूद है, जो लैंड ऑफिसरान थे 4 पाकिस्तान के आते हैं वो अपनी जगह मौजूद है, पूरी हुकूमत को कंट्रोल रखे हुए मफलूज किया हुआ है, एजेंसियों को उसी तरह एजेंसियां उसी तरह घूम रही हैं, जो जो इलाके पाकिस्तान की फौज ने फतह किए हुए थे जितने फतह थे मराद यह है कि जो इलाके उन्होंने अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं ऑलरेडी रिजोर्स वो उनके कंट्रोल में है। तो वट हैज चेंज, नथिंग हैज चेंज। सिर्फ यह है कि आप अपने घर में आराम से बैठ के, सिर्फ यह है कि जिन लोगों पर तशद्दुद हुआ वो अभी भी उनको दर्द हो रहा था, वो जिन बेचारों को तो वो तो हर तरीके से किया, बार बार उसका जिक्र करना पसंद नहीं करता, तो जिनके जख्मों में मिर्चें डाली की वो क्या ठीक हो गया, वो सब भूल गया, फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ा। तो जब काबुज लोगों ने देखा कि इतना सख्त एहतजाज है तो उन्होंने इसको चेंज कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा खत्म हो गया, इसका मतलब यह है कि नई वारदात की जाएगी। और वेट फॉर इट, यू वोंट हैव टू लिव वेट लॉन्ग, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिर यह कि जब मुजफ्फराबाद में इसी तरीके से पहिया जाम हुआ तो सासी जो हजरात हैं वो वहां भी पहुंचे हुए थे, हर जगह मौजूद हैं ये लोग। मुजफ्फराबाद तो PUJK का कैपिटल है, वहां पर तो दर्जा उत्तम मौजूद हैं और बहुत से लोग हैं, की टीमें बनी हुई हैं। लेकिन जिन लोगों ने पहिया जाम का इत्तेमाल किया, जिसमें ट्रांसपोर्ट यूनियन है और वतन बचाओ तहरीक है और ताजरान हैं, वो 4 ग्रुप्स हैं जिन्होंने किया था। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने कामयाब शो किया, जबरदस्त किस्म की जो ना आउटकम थी। कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि 18 से 20 हजार लोग थे, कुछ कहते हैं कि 5 हजार थे, बड़ा फर्क है। अगर 5 हजार लोग भी निकले हों तो ये बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन
लोग ये कह रहे हैं कि पर 10,000 से ज्यादा थे, 10 और 15 हजार के दरमियान थे, लेकिन 10 से 15 हजार भी इस गर्मी में, और फिर पाकिस्तान के पास खिलाफ निकलने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इस इतनी बड़ी तादाद अगर आई है और उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ नाराबाजी की है, इट मीन्स अलॉट, इट मीन्स ए मैसेज इज गॉन टू पाकिस्तान एज वेल कि आपको अपने तरीकाकार बदलना पड़ेगा, ठीक है। वरना लोगों ने कहा कि यहाँ पर भी वो वही कुछ होगा जो श्रीनगर में हुआ था, और पाकिस्तानी को तो पता श्रीनगर में क्या हुआ था। वो तो ये भी कहते थे एट वन टाइम पीपल वो मैटर, वो कहा करते थे कि श्रीनगर में हमारी मर्जी के खिलाफ पता भी नहीं रह सकता। उनको पता कि पत्ते कैसे लाए जाते थे, कैसे लोगों को मरवाया जाता था, किस तरह लाशें गिराई जाती थी, किस तरह एंटीक जो होते ना बनाए जाते थे, प्रोग्राम बनाए जाते थे, कभी कोई प्रोग्राम पत्थर मारता रही, कभी कोई मजहबी रंग दिया जाता था। तो पाकिस्तानियों को पता है कि वहां पर क्या हुआ था, उनको खतरा था कि यहाँ पर भी ये कुछ हो जाएगा, और ये समझदार लोग हैं, इन्होंने उसको सबूत किया। तो ये जो करने का तरीका योजना, ये सिर्फ यहाँ पर नहीं हुआ। अब आगे आते हैं कि 14 अगस्त को यहाँ पर भी जो लोग हैं बरतानिया के, उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को फलां फलां चीज के खिलाफ जो है ना हम पाकिस्तान के हाई कमीशन लंदन में मुजाहरा करेंगे, और इस पर सोशल मीडिया पर, खासतौर पर व्हाट्सएप पर एक ग्रुप भी बन गया और तहरीक चल पड़ी। फिर यह है कि सुना है मैं तो, मेरी ना तो मैं उस मीटिंग में मौजूद था, ना उन साहब से मेरी मुलाकात हुई है। सुना है कि स्पेशली किसी को फ्लाई किया गया वहां से PUJK से, और फिर मीटिंग हुई, उसमें कहा गया जी थे देखें जी अब तो मसला हल हो गया, अब तो रावला कोर्ट में जो मुजाकरात हो गए हैं तो अब तो जरूरत नहीं रहेगी। तो फौरन पहला काम ये किया, बड़ी कामयाबी के साथ 14 अगस्त के जो मुजाहरे को खत्म कर दिया गया। हाँ जी, मैं ऐलान करते हैं कि 14 अगस्त का मुजाहरा ये खत्म हो गया, अब आप पाकिस्तान के हाई कमीशन के सामने मुजाहरा करने नहीं जाएंगे। लेकिन वहां पर फौरन किसी ने कह दिया कि भाई 14 को तो खत्म हो गया, चलो ऐसा करते हैं कि 15 को इंडिया के खिलाफ कर देते हैं, इसी टारगेट जो होता है ना, भाई कहते हैं पंचिंग बोर्ड जो होता है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम ये कर लेते हैं, या पंचिंग बैग ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसी टारगेट यह है कि लेट्स स्टार्ट इंडिया बैशिंग। तो फिर वहां पर कुछ लोग समझदार भी थे, जिनमें मैं सुना एक आबास पार साहब थे, उन्होंने कहा भाई आपने 14 को शुरू करना किया था भी हम ये करेंगे फलां 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 चीज के खिलाफ, वो तो अपनी जगह मौजूद है, तो वो बावजूद इसके कि वो मसले हल नहीं हुए आपने 14 का कैंसिल कर दिया, तो ये जो मसाइल पैदा हुए थे जिनके लिए आपने 14 अगस्त का मुजहरा शुरू करना था, इतमाम किया था, तैयारी की थी, तो वो अपनी जगह मौजूद है, तो वो आपने खत्म कर दिया। तो ये 14 अगस्त के जो मसाइल थे तो वो इंडिया ने पैदा नहीं किए थे, वैसे मजाक करना चाहते हैं मुजहरा जाकर आए, लेकिन मेरी राय तो यह है कि फिर ना 14 में को करें ना 15 को करें। फिर कहा जी अकलमंद लोगों ने कहा हाँ चलो ठीक है जी 15 को नहीं करते, इसी के बजाय फिर उन्होंने कहा जी 13 को हम जो लीडरशिप का कोई मुजाकर कर लेते हैं, पता नहीं हुई है कोई मीटिंग। तो पॉइंट यह है कहने का कि सबूताज करने के लिए बहुत से भी लोग मौजूद हैं, उनके अपने अपने एजेंडे हैं। तो मैंने एक आदमी से पूछा जिनका तलग PUJK से है, बड़ी बड़ी सोच रखने वाले आदमी है, तो उन्होंने तो यही कहा भाई ये लोग एक प्लाट पर अपना दीन ईमान फरोख्त कर देते हैं, प्लाजे बने हुए हैं उनकी वजह से भी चुप हो जाते हैं, या किसी जगह नाजायज जगह पर दुकान बनी हुई है उसका किराया बन रहा है, मिल रहा है तो सौदाबाजी कर लेते हैं। और तो हमें उन्होंने कहा कि अभी तो हमारे लोगों को ये भी नहीं पता कि मसला जम्मू कश्मीर है क्या, जिनको पता है उनको उन्होंने पहले कह दिया है ये गद्दार हो गए या इंडिया के एजेंट हो गए। तो कहने लगा भी ये एक नज़म तरीके से इसको सबूताज किया गया। अब आगे आते हैं कि 13 और 14 की रात को मुजफ्फराबाद में क्या हुआ, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, जल्दी करता हूँ। 13 की रात को यानी वहां पर जो लोग थे यानी पाकिस्तान के गुमाश्ते या प्रो पाकिस्तान जो लोग थे, उन्होंने वहां पर जश्न आजादी शुरू कर दिया। हम तो गुलाम है, जश्न आजादी पता नहीं किसका कर रहे थे, यानी उनके हाथ में वैसे पाकिस्तान का झंडे थे और नाराबाजी कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, क्यामत तक पाकिस्तान जिंदा रहेगा, पाकिस्तान जो है क्यामत तक रहने के लिए बना है। लेकिन ये बेवकूफ़ जाहिल भूल गए थे कि पाकिस्तान जो 47 में बना था वो टूट भी चुका है, दो कौमी नज़रिया जो है ना वो बैर हिंद में चला गया, लेकिन उनको कोई नहीं है वो बड़ा एनीवे वो मुजहरे कर रहे थे। तो वहां पर जो लोकल लोग थे जो ट्रू नेशनलिस्ट हैं, जिनको मसला जम्मू कश्मीर का पता है, जिनको ये पता है कि कौन काबज है, जिनको ये पता है कि मसला पैदा किसने किया था, उन्होंने भी मैदान में आकर नाराबाजी शुरू कर दी। उन्होंने ये बात नोट करें, उन्होंने
पाकिस्तान के खिलाफ, यानी उनको ये नहीं, उन्होंने पाकिस्तान बोर्ड तो बात नहीं कहा, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक नहीं उठाई, उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को नहीं जलाया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम आज़ादी चाहते हैं, हमें आज़ादी खुद मुख्तारी प्यारी है और इसके हमारे ये हमारी स्ट्रगल है जारी रहेगी वगैरह वगैरह। यानी कि वो लोग पहला के पाकिस्तान की मदारी कर रहे थे, ये लोग है इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे। तो फिर किसी के इशारे पर जो पुलिस है, जो आज़ादी कश्मीर की पुलिस है, जो पाकिस्तान के इशारों पर नाचती है, तो या चीफ सेक्रेटरी के इशारे पर नाचती है या जीओसी मरी के इशारे पर नाचती है, किसी के इशारे पर नाचती है। आईजी पुलिस हमेशा होता ही पाकिस्तानी है ना आजाद कश्मीर में। तो बहरहाल उन्होंने फिर बड़ा तशद्दुद किया इन लोगों पर, यानी बावजूद इसके कि उन्होंने जिनाह साहब के बारे में कुछ नहीं कहा था, पाकिस्तान के झंडे को नहीं जलाया था, क्योंकि झंडे को एक बार उतार कर देख चुके थे लोग भी क्या होता है, पाकिस्तान का झंडा उतारा था तो कितनी सजा मिली थी लोगों को, उस बेचारे आदमी तनवीर साहब को, और कैसा वो जेल में भी कितनी सफरिंग उन्होंने की, कानून भी बन गया कि आंदा को झंडे को आसी लगा सकता। तो ना ही उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, कोई ऐसी बात नहीं की जिससे पाकिस्तान की तोहीन हो, सिर्फ यह है कि पाकिस्तान के नैरेटिव को उन्होंने चैलेंज किया, अपना नैरेटिव पेश किया कि हमारा नैरेटिव ये है कि हम आजादी खुद मुख्तारी चाहते हैं, हम किसी इलाके के इंटरेस्ट नहीं है। उनको मारा गया और बुरी तरीके से मारा गया और फिर क्लैश हुई ठीक ठाक, जो ज़ाहिर है कि उनके पास डंडे थे, मानसून गैस थे, तादाद उनको ज़्यादा थी, उन्होंने लोगों को मारा, लेकिन कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए, उनको भी फेंटी लगी है। और मुझे ये यानी 13 की रात को जो हुआ, 14 की सुबह को मुझे इतना मिल गई थी, बल्कि 13 की रात को ही मिल गई थी, लेकिन मैं इसका कुछ कर नहीं सकता था, बयान प्रोग्राम भी नहीं कर सकता था। कल 14 को मैं मसरूफ था, 14 नहीं सॉरी 14 को पता चल गया था, 15 को मैं मसरूफ था, मैं नहीं कुछ कर सका, प्रोग्राम नहीं कर सका फैमिली के मेंबर्स मैटर्स से। सिंपल सी बात यह है कि मेरे वाल साहब जो है ना वो तो भी हैं, और मैं उनके जनाजे पर नहीं जा सका था, उनके डेड बॉडी के साथ उनकी उनकी जो मौत लूट हुई थी इंग्लैंड में, मैं नहीं जा सका था, इसलिए कि जम्मू कश्मीरियों के बड़े भाई पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई हुई है, मैं नहीं जा सकता, सीधी सी बात है। और मैं जाता तो फिर यह कि पार्टी एक ना होती दो होती, मेरी भी साथ ही होती। तो जब से मेरे वाल साहब फोत हुए हैं, मैं उनके जब उनको हम ख़त्म कराते हैं सो अपने गांव में, तो मैं नहीं जाता उतार, सारे लोग पूछते हैं भाई शिविर क्यों नहीं आया, डॉक्टर साहब क्यों नहीं आए, चौधरी साहब क्यों नहीं आए, जो गाँव के लोग हैं या सीधे साधे लोग हैं जो पाकिस्तान के प्रॉपरगंडे में भी होते हैं। तो इस बार ये हुआ कि मेरी जो बहनें आजाद कश्मीर में रहती थी वो भी यहाँ पर आई हुई थी, मेरी वालदा बीमार है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो फिर सब ने फैसला किया कि इस बार खत्म जो है हम यहाँ पर करें। तो कल जो गुजरा हुआ कल है वो हमने वहाँ पर इसका इत्तेमाल किया, 14 अगस्त था, लेकिन हमने अपने अबाजी की खत्म का इत्तेमाल किया और दुआ पढ़ी उनके लिए, अल्लाह उनकी महफूज करे, और जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उनकी महफूज करे। तो मैं इस मसले में बिजी रहा, तो आज के लिए मैं सुबह सुबह ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो मैं जिस मुझे ये कहा गया था कि लड़कों को सिर्फ ये नहीं कि मारा गया है, कम से कम 8-10 लड़के गिरफ्तार थे, उन पर गद्दारी के मुकदमात बना दिए गए। तो मैंने अपने कॉन्टेक्ट से पूछा, मैंने क्या मुझे ये बताएं कि क्या इन लड़कों के हाथ में बंदूक थी, कहता सर जी क्या बात कर रहे हैं बंदूक नहीं थी, मैंने कहा किसी को पुलिस वाले को गोली मारी, कहते ये बंदूक नहीं तो गोली कहाँ से मार दी, मैंने कोई दस्ती बम या हैंड ग्रेनेड को मारा था, कहते ये नहीं यही ऐसी कोई बात नहीं हुई, मैंने कहा जिना साहब का कोई फोटो जलाया गया, सर जी नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ, मैंने कहा मुझे ये बताया कि क्या पाकिस्तान के झंडे को नहीं जलाया गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा गया नहीं, मैंने कहा पाकिस्तान की आर्मी के यानी मतलब किसी जनरल के खिलाफ बात की हो नहीं, मैंने कोई ऐसी तोहिन की वो कहता वो नहीं, तो मैंने कहा भाई आप इसके बावजूद आपको फेंटी लगी ठीक ठाक फेंटी लगी, बहुत मारा पीटा गया और लोगों को जेल में ले गया, ठीक है मुझे बताएं कि जब पाकिस्तान के कहने पर आप आईएसआई के कहने पर एजेंसियों के कहने पर आप बंदूक लेकर जाएंगे वहां पर कश्मीर में, वहां पर आप बंदूक चलाएंगे गोलियां मारेंगे, आप हैंड ग्रेनेड मारेंगे, वहां की पुलिस वालों को मारेंगे, आर्मी वालों को मारेंगे, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, हिंदुस्तान के जो बानी है मतलब गांधी गांधी हो गए या नेहरू हो गए उनके खिलाफ बात करेंगे, उनको मुर्दाबाद कहेंगे, उनके झंडे को जलाएंगे, इन ये बातें करने पर आपको कभी भी गोली नहीं मारी गई थी, ये याद रख लें, गोली उस वक्त मारी जाती थी जब आप गोली का इस्तेमाल करते थे, जब आप गोली का इस्तेमाल करेंगे तो गोली का जवाब गोली से आएगा, तो आपने ये कुछ नहीं किया यहाँ पर, इसके बावजूद आपको डंडे मारेंगे,
जस्ट इमेजिन कि अगर आप गोली चलाते फिर क्या होता। उसने कहा, सर जी मुझे बात समझ आ गई। तो मैंने कहा, भाई बात यह है कि यहां से देखना चाहिए कि किस मुल्क के पास क्या सिस्टम है, कौन जालिम है, कौन से तुम कर रहे हैं हम पर, हमें इसके खिलाफ बात करना सीखना है। मैं अभी भी यही कहूंगा, हमने अपने एहतजाज को पुरअमन रखना है, अपनी तहरीक को पुरअमन रखना है, वरना हमारे साथ भी वही असर होगा। बल्कि एक सोच समझ रखने वाले कश्मीरी जिनका तलक वादी कश्मीर से है, वो बरतानी में वकालत करते हैं, LLB उन्होंने वादी कश्मीर से की थी, फिर वो एक लंबा अरसा जो है ना गालिबन 15 साल से ज्यादा अरसा जो है ना वो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान के सिस्टम को आज़ाद कश्मीर को सिस्टम को समझते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम के TVP के प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम में उन्होंने भी एक बार कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर आपको पता करना है कि पाकिस्तान आपके साथ कैसे ट्रीट करना करेगा, तो आप ऐसा कर लें, मीरपुर में 5-4 पुलिस वालों को मार दें या आर्मी वालों को मार दें, इसी तरीके से 5-10 4 आदमी जो आप लेकर चले जाएं रावलकोट में मार दें, मुजफ्फराबाद में मारें, कोटली में मारें। उसने कहा फिर जाकर देखें कि आप ये फौज, बहादुर फौज जो है ना पाकिस्तान की, बड़े भाई की फौज ये, उसने कहा कि 3 महीने के अंदर इतने लोगों को मार देंगे जितने कि 30 साल से वहां पर नहीं मारे गए। उनके पास मारने का बड़ा तजर्बा, उनके पास ईस्ट पाकिस्तान में भी बहुत बहुत लोगों को उन्होंने मारा, उन्होंने बलूचिस्तान में भी लोगों को बहुत मारा, अभी भी मार रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे थे कि आपको सोचने की जरूरत है कि हमारे साथ कौन सब मुल्क क्या कर रहा है। आई लीव इट एट दैट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज मेक कमेंट्स, एंड मेरी तरफ से खुदा हाफिज। आई होप कि किसी को मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी, हम किसी की जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने हमारी जाति गसब की हुई है उनके बारे में बात करते हुए हमें डरने की जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।